नमस्कार, मैं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं चमेली जाइए। नजर डालते हैं आज की खास खबर। मुंबई की साइबर सेल इकाई ने दो रोमानियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया जिन्होंने कथित तौर पर एटीएम कार्ड का क्लोन बनाया और पैसे निकाले। पुलिस ने उनके घर से 60,000 रुपए बरामद किए। आरोपियों की पहचान मियू रुचिनाल और बुडाई रोमाना के रूप में की। पुलिस ने इनके पास से दर्जनों क्लोन एटीएम कार्ड, माइक्रो कैमरा और क्लोनिंग मशीन भी बरामद की है। आपको बता दें कि आरोपी क्लोनिंग मशीन में माइक्रो कैमरा और मैग्नेटिक चिप लगाकर एटीएम मशीन में लगा देता था और एटीएम के बाहर एक कार में इंतजार करते थे और 15-20 लोगों के एटीएम मशीन का इस्तेमाल करने के बाद क्लोनिंग मशीन को हटाकर डुप्लीकेट एटीएम कार्ड बना लेते थे। उसके बाद में आरोपी अलग अलग एटीएम में डुप्लीकेट कार्ड का इस्तेमाल कर पैसे निकालते थे। एक साइबर सेल अधिकारी ने बताया है कि पिछले हफ्ते एक व्यक्ति ने कांदीवाले साइबर सेल यूनिट से संपर्क किया और शिकायत की कि मलाडपुर में एक एटीएम मशीन से उसके खाते में 6.5 लाख रुपए के निकाले गए। हमने एटीएम सेंटर के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो देखा कि आरोपी एटीएम मशीन में माइक्रो कैमरा और मैग्नेटिक चिप लगा रहा। बाद में हमने देखा कि आरोपी एटीएम के बाहर लाल रंग की कार में बैठा है। हमने नंबर प्लेट के माध्यम से वाहन को ट्रैक किया और उसे लोखंडवाला इलाके में खड़ा पाया। बाद में हमने कार का पीछा किया और देखा कि यह मलाड में एक एटीएम केंद्र के बाहर खड़ी थी। हमने क्लोनिंग डिवाइस लगाते समय आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा। हमें उसकी जेब में माइक्रो कैमरा और मैग्नेटिक चिप और कई एटीएम कार्ड भी मिले। आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। अधिकारी ने आगे बताया कि हमने दोनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 420 और आईटी अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया। आज की हमारी खास खबर। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल।